ओम श्री गणेशाय नमः। माय फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, बहुत अच्छा कर रहे होगे। कल आपने अपना दिवाली का फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया होगा फ्रेंड्स, और आने वाले 2-3 दिन भी आप लोग बहुत इन्जॉय करें। मैं आपके लिए प्रे करती हूँ गॉड से। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं सैटरडे लाइव आई थी, काफ़ी लोग आए, बट स्टिल उतने लोग नहीं आ पाए। आई थिंक बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन आपको टाइम नहीं मिला होगा, बट कोई नहीं, आई विल ट्राई कि मैं फिर से एक आधा दिन में दोबारा से लाइव करने की कोशिश करूँ फ्रेंड्स। और आज मैं ये मंथली रीडिंग करने जा रही हूँ दिसंबर मंथ के लिए, जिसमें मैं सबसे पहले आपके लिए जॉब एंड करियर की रीडिंग करूँगी, देन फिर आपके लव एंड रिलेशनशिप की, एंड फाइनली हम गाइडेंस निकालेंगे फ्रेंड्स कि किस चीज़ पे आपको अपने दिसंबर मंथ में अपने लिए काम करना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग इसी खुशी। ठीक है, और आई होप आप सबके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए, बहुत अच्छी एनर्जीज आए, और आपको गाइडेंस मिले कि आपको कौन सी चीज़ों पे काम करना है, जिससे आपका आने वाला 1 मंथ जो दिसंबर का है वो बहुत ही ब्यूटीफुली बीते। ठीक है, ऑल राइट फ्रेंड्स। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और एनर्जी ज़रूर क्लेम करना अगर मैच करे। ठीक है, तब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ऑल राइट, सो कैप्रिकॉन, मैं आपके जॉब एंड करियर की रीडिंग बनाने लगी हूँ। सबसे पहले मैं आपके जॉब एंड करियर की रीडिंग करती हूँ। स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉन, जॉब एंड करियर, मैच्योरिटी, न्यू विजन, हार्मनी, क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड चेंज। तो देखिए, अगर मैं आपसे अभी बोलूं कि आपको अगर अपना जो भी आपने विजन क्रिएट किया था या किया है, वो तभी होगा जब आप ये जो पास्ट से जो लगे हुए हैं ना, अपने जुड़े पड़े हैं या छूट नहीं रहा आपसे पास्ट, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। अब ये पास्ट किस चीज का है, पर्सनल लाइफ का है जो कि प्रोफेशनल पे असर डाल रहा है, या पर्सनल या प्रोफेशनल जो भी है, कुछ है आपका जो आपने अपने जॉब करियर प्लेस पे क्रिएट किया है, और ये आपको पता है। आपको इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा, चीज़ें तभी बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। आपको मैच्योरिटी से, मैच्योरिटी का कार्ड आया, आपको अगले महीने इन द मंथ ऑफ दिसंबर मैच्योरिटी से ही चीज़ों को डील करना पड़ेगा। जो भी आपने ये न्यू विजन क्रिएट किया था अपने लिए, या आप क्रिएट कर रहे हो कुछ टाइम से, मे बी आपने कुछ प्लान भी किया होगा कि बिजनेस में कहीं पे कुछ ऐसा आपने प्लानिंग्स करी हैं, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि हार्मनी आएगी, बट आपको खुद को बदलना होगा। खुद को आप चेंज करेंगे जब, तभी चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आएंगी। देखिए, आपको अगर ये न्यू विजन की तरफ जाना है, न्यू गोल्स जो आपने सेट किए थे खुद के लिए, उसके तरफ आप तभी जा पाओगे जब आप बदलोगे पहले चीज़ों को। हार्मनी जरूर आएगी, खुशहाली आएगी, और देखो उसके लिए ना आपको कहीं ना कहीं अपने आप को, जब आप एक तो डिवाइन को सरेंडर करो पहले तो, और खुद से कनेक्ट करो। देख रहे हो आप, गिल्ट में हो, आपने पीछे कुछ चीज़ें गलत करी हैं अपने वर्क प्लेस पे, कुछ आपसे हो गई हैं कुछ ऐसी चीज़ें कैप्रिकॉन। यस, आपके पास कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है कि बहुत कुछ है या था, बट यू हैव लूजन एवरीथिंग। आई डोंट नो वाई आई एम गेटिंग दिस, बट व्हेन यू विल हैंडल द थिंग्स विद मैच्योरिटी, जब आप मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करेंगे, पास्ट को भूलेंगे। देखिए, पास्ट को तो भूलना पड़ेगा, अगर पीछे चीज़ें पास्ट में रह के गिल्ट आ रहा है, तो पास्ट को भूलें, और एक न्यू बिगनिंग के लिए आपको न्यू विजन की तरफ अगर अपने करियर में आगे बढ़ना है, तभी अबंडेंस आएगी। ये देखें, थंडरबोल्ट का कार्ड आया, मैंने बोला पीछे आपने कुछ ऐसी आपकी हुई हैं चीज़ें इस हिसाब से कि आपको क्लैरिटी आने के लिए आपको करना पड़ेगा। तो पीछे जो भी आपसे, जो भी आपने पीछे करियर वाइज गलतियां करी हैं या पर्सनल लाइफ में हुई हैं, उसका असर इस पे आया है, उससे बाहर आने का एक ही तरीका है, गिल्ट से बाहर निकलो।
फ्यूचर की तरफ देखो, मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करो, और विजन जो आपने बनाए हैं वो तभी पूरे होंगे आपके। ठीक है कैप्रिकॉन, ये आपके जॉब एंड करियर में थे, आपको हाई टाइम आ गया है कि दिसंबर मंथ में आपको मैच्योरिटी से ही चीज़ों को हैंडल करना है। ठीक है, अब मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप के कार्ड्स निकालूंगी फॉर कैप्रिकॉन राशि, यानी मकर राशि के लिए लव एंड रिलेशनशिप के कार्ड निकालें डिवाइन प्लीज। लव एंड रिलेशनशिप फॉर डिवाइन निकालें कैप्रिकॉन। ओके, सो सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, द जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो अगर मैं आपके रिलेशनशिप वाइज कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स निकालूं तो मुझे जो नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है या था या जो भी है, और वो बहुत ही ज़्यादा आपको आज भी आपके लिए फीलिंग्स रखता है, चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स थी पीछे बहुत ज़्यादा, आपने भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं उस रिलेशनशिप में, बट अब जो मुझे नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं आप किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स से किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में आ गए हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं मुझे चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, चीज़ों को इस तरह से, देखिए इस तरह से नहीं चलता। यहाँ पर आपको अगर डिवाइन की बात सुनने की मिले तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको टीम वर्क की ज़रूरत है, आपको इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत है। अगर आपने बहुत ज़्यादा लिया है तो आपको भी देना पड़ेगा। आप खाली अगर ये सोचते रहेंगे ना कि जजमेंट होगी, ऐसे नहीं होगी जजमेंट, अपने आप नहीं आ जाएगा कुछ भी आपके हाथ में, हर एक चीज़ के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। एट ऑफ पेंटिकल्स, हर एक चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जो बोल रही हूँ वही कार्ड आ रहा है। और कम्युनिकेशन, या तो आप अपनी तरफ से कोई मैसेजेस किसी को देने की कोशिश करेंगे, या मे बी कोई पर्सन आपको अपनी तरफ से, अगर आपकी बातचीत बंद है तो वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा पर्सनल लाइफ में, जो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, दो कार्ड्स और आए हैं, द मैजिशियन एंड नाइट ऑफ कप्स। तो अगर आपके मन में है किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपको शुरुआत कर देनी चाहिए और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं उस पर्सन के लिए, तो देखिए धीरे धीरे चलने की बजाय थोड़ा सा एफर्ट्स लीजिए, तभी वो पर्सन भी आपके साथ जुड़ पाएगा। आप इस क्वीन ऑफ कप्स को पहचाने कि ये कौन है, ये क्वीन ऑफ कप्स कौन सा पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहता है आपके लिए, जो आपके लिए उसने पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर कर रखा है, वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब अपनी तरफ से आपके लिए बेस्ट करता है। यू हैव टू फाइंड आउट, और अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं, जैसे ये नाइट ऑफ कप्स में आप बहुत स्लो एनर्जी में हैं, आप बताना ही नहीं चाहते सामने वाले को, ऐसे नहीं चलेगा। आपको एक नेक्स्ट लेवल जाने के लिए आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ग्रोथ सिर्फ मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, उस मैनिफेस्टेशन के लिए आपको एफर्ट्स भी तो करने पड़ेंगे। अगर मैं सिर्फ यही सोचती रहूँ कि मेरा 10 किलो वज़न कम हो जाएगा, 10 किलो वज़न का सिर्फ बोलने से थोड़ी ना कम हो जाएगा, मुझे उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना, मुझे उसके लिए डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी, उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो ये सेम आपके लिए भी आ रहा है कैप्रिकॉन, कि आप नहीं कर रहे हो वो चीज़ें, आप सिर्फ सोचे जा रहे हो, सोचने से थोड़ी ना खाली होगा चीज़ों को। ठीक है, डिवाइन गाइडेंस निकालती हूँ मैं आपके लिए साइकिक टैरो से। तो साइकिक टैरो से क्या आया है, अवेयरनेस, ये जो आपका क्राउन चक्रा है ना, ये जहाँ पे लाइट जल रही है, इसको जगाएं, इससे जाने कि दुनिया क्या है, संसार क्या है, मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं ये क्यों हुई हैं, या आगे जो मेरे साथ होगा वो क्यों हो रहा है, इसे अवेयरनेस लाएं, लोगों को समझें, सिचुएशन को समझें। और ये देखिए क्या आया है, क्रच। तो आप ये देख रहे हैं कैसे ये पर्सन जो है ये एक उस पे खड़ा है और बंधा हुआ है,
और ऐसे बाहर की तरफ देख रहा है कहीं ना कहीं। सॉरी मैंने इसको शायद गलत पढ़ दिया, आई एम सॉरी, क्रश नहीं है ये, टी है, ट्रुथ लिखा है, सॉरी, इट्स ट्रुथ। तो कैसे ये पर्सन, एक ऐसे मुझे जहाँ तक मुझे दिख रहा है एक जैसे वो हम बैलेंस करते हैं ना एक उसको, तो उस पर खड़ा हुआ है और सामने एक दूसरे पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि, बट एक रास्ता नज़र आ रहा है सामने से। तो ये पर्सन जो है ये सच्चाई को जान रहा है, अगर सच्चाई अब तक इससे दूर थी या रियलिटी से इसको आपको वास्ता नहीं हुआ, अगर आप रियलिटी से दूर थे कैप्रिकॉन तो आपको दिसंबर मंथ में धीरे 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 सच्चाई क्लैरिटी आएगी, आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं। और 2022 नंबर का कार्ड है, ये 1 का था और ये 2 का है, तो 2 नंबर जो होता है ना वो ऑप्शंस चॉइसेस इस तरह का कार्ड होता है। तो लाइफ आपको रास्ते दिखाएगी कि आपको कौन से रास्ते पे चलना है, अब आपके हाथ में है कि आप क्या रास्ता चुनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी कैप्रिकॉन आपकी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग रही है, होप आपको काफ़ी क्लैरिटी आई हो इससे और एनर्जी मैच हुई हो तो प्लीज़ उसको क्लेम करें कमेंट्स में लिख के। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।